हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट आ डे में जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा है, वो है गिग इकोनॉमी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। गिग इकोनॉमी, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों हमें जरूरत पड़े कि हम गिग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को पढ़ें। सबसे पहली चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई है जिसमें कहा गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स का फायदा मिलना चाहिए। सेकेंडली, एक रिपोर्ट आई है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया, जिसका ये कहना है कि गिग इकोनॉमी की वजह से 2028 तक इंडिया में एडिशनल 90 मिलियन जॉब्स यानी कि 9 करोड़ लोगों को रोजगार हमें मिल सकता है इस गिग इकोनॉमी में। इसलिए गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल हो जाता है। तो अब हमने कॉन्टेक्स्ट जान लिया है, इसके बाद देखते हैं कि गिग वर्क किसे कहते हैं, गिग इकोनॉमी किस तरह से बनती है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या होता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में एक एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉई होता है। ये एम्प्लॉयर जो है इस एम्प्लॉई को हायर करता है एक रेगुलर जॉब के लिए जनरली, है ना, कि किसी ने किसी को हायर किया तो कुछ टाइम पीरियड तक वो उसी के साथ रहता है, साल दो साल। ऐसा नहीं होता कि जब मर्जी जो है एम्प्लॉय भी छोड़ के जा सकता है या एम्प्लॉयर भी जो है कभी भी निकाल सकता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉय को भी जो भी काम दिया जाता है उसको करना पड़ता है और एम्प्लॉयर को भी ऐसे मतलब अपने मन से जो है उसको नहीं निकाल सकता है। बट गिग वर्क में क्या होता है कि कोई भी जो भी वर्कर है उसको फुल टाइम के लिए हायर नहीं किया जाता है, उसको या तो पर आर बेसिस पर या फिर पर टास्क बेसिस पर, मतलब जब आपकी जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा या आपसे काम ले लिया जाएगा या फिर पर आर घंटों के हिसाब से आपको काम मिलेगा। तो गिग वर्क जो है वो यही कहता है। गिग वर्क का मतलब है इन विच दी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट करती है विद इंडिपेंडेंट वर्कर्स, मतलब वो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की पेरोल पर नहीं होते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स ऑन अ पर टाइम और पर टास्क बेसिस। तो इसमें दो तीन चीजें समझने की हैं। पहली चीज ये है कि इंडिपेंडेंट वर्कर्स कंपनी की किसी की पेरोल पर नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए हायर किए जा रहे हैं और उनका जो पेमेंट है वो किस बेसिस पर होगा, पर यार या फिर पर टास्क बेसिस पर, विद नो कमिटमेंट ऑफ फ्यूचर वर्क। आगे आपको काम मिलता रहेगा, इसका कोई कमिटमेंट नहीं है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ उस काम तक ही सीमित है। आगे आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा इसका इन दोनों ही ऐसा कमिटमेंट नहीं करते हैं, ना तो वर्कर कमिट करेगा कि मैं आपके लिए काम करूंगा आगे भी और ना ही कंपनी कमिट करती है कि हम आगे भी आपको ही काम देंगे। इसके बिजनेस मॉडल्स क्या है, किस तरह से ये गिग इकोनॉमी चल रही है, तो इसके तीन मॉडल्स हमने अभी तक देखे हैं। पहला है डिजिटल मार्केट प्लेस, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन, आपने देखा कि जो गुड्स हैं आपको कुछ सामान चाहिए होता है तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने क्या किया है कि जो भी उसके रिटेलर्स हैं जो भी उस माल को बेचते हैं उनको एक मार्केट प्लेस पर ला करके खड़ा कर दिया है डिजिटली। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मान लीजिए आपने डाला कि हमें शूज चाहिए, तो जो भी ब्रांड्स अपने शूज बेच रही हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से मंगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्बन कंपनी, तो अर्बन कंपनी ने क्या किया है कि जो कारपेंटर्स इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर ये सब लोग हैं इनको एक डिजिटल मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया है थ्रू अर्बन कंपनी। तो वहां पर मान लीजिए आपको कोई सर्विस चाहिए, आपको प्लम्बर को बुलाना है, आपके घर में कोई काम है, तो आप अर्बन कंपनी पर जाकर उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन अर्बन कंपनी ये कमिटमेंट उस प्लम्बर को नहीं करेगी कि आगे भी आपको काम मिलता रहेगा, या फिर प्लम्बर की अपनी मर्जी है कि वो अर्बन कंपनी के साथ जुड़ा रहना चाहता है या जुड़ा नहीं रहना चाहता है। तो ये क्या है, डिजिटल मार्केट प्लेस मॉडल, जहां पर सिर्फ कंपनी ने क्या किया है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और उसके बदले में वो उनसे एक कमीशन लेती है। दूसरा मॉडल क्या है, सर्विस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म,
यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए मुझे बहुत अच्छी मेरी टाइपिंग स्पीड है, तो मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ट्रूलांसर का, तो मैंने अपने आप को लिस्ट कर लिया, और कोई ऐसी कंपनी है जिसको टाइपिस्ट की जरूरत है तो वो भी अपनी रिक्वायरमेंट वहां पर डाल देगी, और फिर वो क्या करेगा, ट्रूलांसर उन दोनों को मैच करके बता सकता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से ये पर्सन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं या इनको हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रूलांसर काम करता है जहां पे सर्विसेज को लिस्ट किया जा सकता है। तीसरा मॉडल क्या है, एसेट या फिर सर्विस शेयरिंग मॉडल, जैसे कि उबर, ओला, जोमेटो, ये सब क्या है, ये सर्विस शेयरिंग मॉडल है। जैसे जोमेटो के थ्रू आपको क्या मिलता है, आपको फूड डिलीवरी मिलती है, तो ये तरह की क्या है, सर्विस है, जहां पर कि जो डिलीवरी बॉयज हैं वो आप तक खाना पहुंचा रहे हैं, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। इनको कैसे पेमेंट मिलता है कि पर डिलीवरी कितनी आपने डिलीवरीज की है उसके हिसाब से इनको पेमेंट मिलेगा, लेकिन ये रेगुलर जो है एम्प्लॉयज नहीं है जोमेटो या स्विगी के, दे आर ऑन पर आवर बेसिस या फिर पर डिलीवरी बेसिस पर। तो ये तीसरा है एसेट या सर्विस शेयरिंग मॉडल। तो जो गिग इकोनॉमी है वो अभी जो है इन तीन बिजनेस मॉडल के हिसाब से चल रही है। अब इसमें जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं, वो उनके क्या रीजंस है उसके पीछे, तो देखिए कुछ लोगों का रीजन क्या है कि ऑटोनॉमी और कंट्रोल है। ऑटोनॉमी और कंट्रोल कैसे है, जैसे रेगुलर अगर आप एम्प्लॉय होते किसी कंपनी के, या मान लीजिए आप गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, तो आपको जो भी ऊपर से डायरेक्शन आ रहा है उसके हिसाब से आपको काम करना ही पड़ेगा, भले सी वो काम आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, या फिर आपको लगता है कि यार ये तो मैं कल कर लेता आज क्यों कर रहा हूं। लेकिन जब गिग वर्कर आप हैं तो आपको एक टास्क दिया गया है, आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है कि यार आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, आज मुझे काम नहीं करना है, तो आप मत करिए, आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। कोई फूड डिलीवरी बॉय है, मत करिए डिलीवरी, आपको बस उतना पैसा तो नहीं मिलेगा। तो ऑटोनॉमी है, कंट्रोल है, आप अपने हिसाब से अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है अर्निंग वाइल सीकिंग अ बेटर जॉब, जैसे आपने जॉब छोड़ दी है, आप कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उस बीच में कुछ पैसा आपको चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तो ये गिग इकोनॉमी में लोग काम करते हैं थोड़े टाइम के लिए। कुछ लोगों का है कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो वो लोग जो है गिग वर्कर बन जाते हैं, फ्रीलांसर जो है काम करते हैं, सो दैट उनकी जो वर्क है, काम है, वो भी चलता रहे और एक लाइफ में एक फैमिली को भी अपना टाइम दे पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रेगुलर किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं, तो काम के बर्डन की वजह से हम लोग जो है अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो गिग वर्कर अपने हिसाब से आप जितना काम करना चाहते हैं आप उतना ही काम करिए, आपको कम काम करके कम पैसा कमाना है तो आप कम काम कर लीजिए, अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे दीजिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढते हुए भी कई लोग गिग वर्कर बनते हैं। ओनली वे टू मेक एन इनकम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ यही काम है, इसी से उनकी इनकम आ रही है। जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे अभी मैंने बात की कि कैब ड्राइवर्स हैं, जैसे उबर ओला में, या फिर डिलीवरी बॉयज हैं, तो इनकी स्किल बहुत कम है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, तो इनको इसी से काम मिल रहा है और इसी से इनका इनकम आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेकिंग एक्स्ट्रा मनी ऑन द साइड, मतलब ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं बट उनके पास कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसको वो बेच सकते हैं मार्केट में, तो वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए जो है गिग वर्कर का काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बहुत अच्छा रिव्यू लिख सकता है, उसको पढ़ने का बड़ा शौक है, तो लोग क्या कर लेते हैं कि बुक रिव्यू की अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गिग वर्क जो है वो फेमस होता जा रहा है या गिग वर्क बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे कि गिग इकोनॉमी की क्या एडवांटेज है ओवर द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉस्ट सेव करता है, कॉस्ट सेव करता है तो जो प्रॉफिट है कंपनीज का वो इंक्रीज होता है। कॉस्ट कैसे सेव करता है, अब किसी कंपनी को जो है एक परमानेंट लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है, जो भी उनके पेरिफेरल काम होते हैं, जो कोर काम होते हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो उनको हायर करना पड़ेगा, बट मान लीजिए जैसे वेब डिजाइनिंग का काम है, तो इसके लिए हो सकता है कि कंपनीज जो है परमानेंट एम्प्लॉयज को ना रखे, बल्कि क्या कर सकती है कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगी सर्विस लिस्टिंग, जैसे हमने ट्रूल आंसर देखा, वहां देखेंगे कि अच्छा कौन कौन वेब डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहां से वो सर्विस ले सकती है। तो उनकी कॉस्ट जो है वो सेव हो गई, क्योंकि जब काम पड़ा सिर्फ तभी उनको पेमेंट करना पड़ा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि
कंपनी को जरूरत नहीं है, लोग खाली बैठे हुए हैं और उनको पेमेंट करनी पड़ती है, तो कॉस्ट जो है वो सेव होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किसको मिली है? जो वर्कर है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है और जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। तो वर्कर भी अपने हिसाब से काम कर सकता है, वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकता है और जितना चाहे उतना वो काम कर सकता है। उसको कम काम करना है कम काम करिए, ज्यादा काम करना है ज्यादा काम मिल सकता है। कंपनीज को भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई जब जरूरत पड़े तभी वो लोगों को हायर करें, जब जरूरत नहीं है तो हायर करने की कोई जरूरत नहीं है उनको। प्रोवाइड जॉब्स, जैसे मैंने अभी कहा कि उबर ओला या फिर जोमेटो स्विगी, ये सब ऐसे जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे डिलीवरी बॉय का है या ड्राइवर्स का है, जो कि बहुत ही लो स्किल्स में भी हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी उनको स्किल्स नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। तो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली जो लो स्किल्ड एंड लेस एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी जॉब्स मिल रही है इस गिग इकोनॉमी की वजह से। बेस्ट टैलेंट फॉर द बेस्ट जॉब, अब कोई भी काम करना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि वेब डिजाइनिंग का, तो आप चूज कर सकते हैं, वहां पर 1000 लोग आपको मिलेंगे, आप देखिए कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो आप बेस्ट टैलेंट को हायर कर सकते हैं फॉर दी आपका जो जॉब है, तो उससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी जो कहना चाहिए जो बुके है जो टैलेंट का वो इंक्रीज हो गया है। बेनिफिट कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिल रहा है, जब कॉस्ट सेविंग होगी कंपनीज की तो उनका जो कहना चाहिए एंड प्रोडक्ट प्राइस है वो डिक्रीज होगा, साथ ही साथ उनको जो अवेलेबिलिटी है सर्विसेज की वो इंक्रीज हो रही है। अब जोमेटो स्विगी ये सब क्या है, इन सब की वजह से कितनी आसानी हो गई है शहरों में रहने वाले लोगों को, खासकर जो बैचलर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो इनको बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। अब खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि भाई अब खाना कैसे होगा या मम्मी पापा घर पे नहीं है तो कैसे होगा, आप जो है ऑर्डर कर लीजिए अपना। और कैब सर्विसेज इतनी अच्छी हो गई हैं बड़े शहरों में, तो खासकर टीयर वन जो सिटीज हैं हमारी, कि वहां पर आपको अपनी कार भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी सर्विसेज हैं उबर ओला और भी आती जा रही हैं, जिसकी वजह से सर्विसेज जो है उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है दोनों ही बड़ी है आम कंज्यूमर्स के लिए। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है कि इकोनॉमी में, कि मान लीजिए आज मेरा वेब डिजाइनिंग का काम है, वेब डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे कोई और स्किल सीख लेनी चाहिए क्योंकि दूसरे काम में ज्यादा पैसा मिल रहा है, कि सपोज कीजिए कि फोटोग्राफी में ज्यादा पैसा मिल रहा है यार, थोड़ी सी फोटोग्राफी मुझे सीखनी चाहिए, फिर वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए, तो हो सकता है कि आप वो वीडियो एडिटिंग सीख लें और आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसको लोग करना चाहेंगे, तो उसकी वजह से लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा, खुद से वो कोशिश करेंगे उन चीजों को सीखने की। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं गिग इकोनॉमी के, बट हर चीज का कुछ ना कुछ डाउनसाइड होता है, कुछ डाउनसाइड रिस्क होते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो गिग इकोनॉमी के क्या हैं? सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका ये है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई रेगुलर इनकम आपका, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि आपकी जॉब कैसी है, या तो पर आर बेसिस पे मिलेगा या फिर आपको पर टास्क बेसिस पर पैसा मिलेगा। एक बार काम खत्म तो उसके बाद पता नहीं अगला काम आपको कब मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, तो आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी कि यार पता नहीं अब एक महीने बाद क्या होने वाला है या 10 दिन बाद क्या होने वाला है, कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अपने खर्चों को जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आपको क्योंकि पता ही नहीं है कि मेरी इनकम कितनी आने वाली है, तो एक रेगुलर इनकम नहीं रहेगी और जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड इज सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी जैसे कि पेंशन या फिर मैटरनिटी लीव्स, ये सब जो है अवेलेबल नहीं है फॉर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर अभी तक नहीं लाया गया है। थर्ड इज करियर प्रोग्रेशन, आप जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होता है अच्छा कि आज मैं अगर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर हायर हुआ तो मैं कल को मैनेजर बनूंगा, फिर मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा, फिर मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, पार्टनर बन सकता हूँ, बट यहाँ गिग इकोनॉमी में आपको नहीं पता है, आपको तो ये भी नहीं पता कि कल के दिन को मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको
ये सब चीजें नहीं पता होती कि मेरा करियर जो है आगे चल करके मैं कहाँ देख रहा हूँ खुद को, है ना। और साथ में जो स्किल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट जब ऑन दी जॉब आपकी ट्रेनिंग होती है, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको सेमिनार्स में भेजेंगी, कॉन्फ्रेंसेस में भेजती हैं, या आपकी कुछ और स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग कराती रहती है, तो वो सब ट्रेनिंग या वो सब जो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स हैं वो गिग इकोनॉमी में आपको कोई नहीं कराएगा। तो आपका करियर प्रोग्रेशन या फिर आपका जो स्किल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, अब ट्रेडिशनल इकोनॉमी की तरह जो वर्कर्स होते हैं गिग इकोनॉमी में वो बहुत डिस्पर्स हैं, है ना, तो वो अपनी यूनियंस नहीं बना सकते हैं। अब जब यूनियंस नहीं बना सकते हैं किसी तरह की, वो खुद की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंपनीज जो है वो आपको एक्सप्लॉयट कर सकती है, हमेशा ये चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि एक बंदा जो है बड़ी बड़ी कंपनी से नहीं लड़ सकता है। तो पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहेंगे गिग इकोनॉमी में। लेबर लॉज, बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि इस तरह के काम करनी है, जैसे मान लीजिए उबर का हम एग्जांपल ले, तो उबर आप किसकी कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, तो इस पे किस तरह के लेबर लॉज लागू होंगे, इसमें इंडिया के लेबर लॉज लागू होंगे, इसमें यूएसए के होंगे, कैसे होंगे, कल के दिन को कोई डिस्प्यूट होता है किसी कैब ड्राइवर और उबर के बीच में, तब क्या होगा, कौन से लेबर लॉज एप्लीकेबल होंगे, तब उनका जो डिस्प्यूट है वो कैसे सेटल किया जाएगा, तो इस पे अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से कहना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस या फिर डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज स्किल शॉर्टेज, ये जो गिग इकोनॉमी है यहां पर किसकी डिमांड है, जो स्किल्ड लोग हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं, उनकी डिमांड है, और एक वेरी टाइप्स ऑफ स्किल्स की डिमांड है। बट हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अगर आप देखें, जो हमारी लेबर फोर्स है उसमें सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो कि किसी तरह की एक फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई है, बाकी लोगों के पास हो सकता है स्किल हो बट फॉर्मली उनके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो दिखा सके कि हाँ वी आर स्किल्ड वर्कर्स। तो अगर हमें इस गिग इकोनॉमी का फायदा लेना है तो अपनी पॉपुलेशन को, लेबर फोर्स को पहले स्किल्ड बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि हमारे पास उतनी अभी स्किल्स नहीं है कि हम इसका पूरी तरह से जो पोटेंशियल है उसको रीप कर पाए। तो अब ये डिसएडवांटेजेस देख लिए या इश्यूज देख लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं सो दैट इस गिग इकोनॉमी का हम पूरा फायदा उठा पाए। सबसे पहला जो काम करना है, सबसे पहला काम ये है कि बेसिक ट्रेनिंग दी जाए हर एक वर्कर को, किसी भी तरह के कोई भी काम कर रहा तो उसको सबसे पहले एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेकेंड इज सोशल प्रोटेक्शन, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को क्या कर देना चाहिए, यूनिवर्सल बना देना चाहिए। कोई कहीं पर भी काम कर रहा हो, कोई गिग वर्कर हो, कोई ट्रेडिशनल वर्कर हो, कोई चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो, कोई भी हो, उसको हर तरह की सोशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को अगर हम यूनिवर्सल बना देते हैं तो गिग इकोनॉमी की जो डिसएडवांटेजेस है उसको हम काफी हद तक दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। थर्ड इज एड्रेसिंग द स्किल शॉर्टेज, ये जो बेसिक ट्रेनिंग थी ये इररेस्पेक्टिव ऑफ आप किस तरह का जॉब कर रहे हैं या किस तरह का जॉब करना चाहते हैं। एक बेसिक चीज जैसे कि किस तरह से आपको बात करनी चाहिए, किस तरह से आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, किस तरह से आप सैलरी डिमांड कर सकते हैं, आप इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनका जवाब मिलना चाहिए, ये बेसिक ट्रेनिंग आपकी। एड्रेसिंग दी स्किल शॉर्टेज मतलब क्या क्या है, ये सेक्टर स्पेसिफिक होनी चाहिए कि जो जिस तरह का जॉब करना चाहता है, जिस सेक्टर में जॉब करना चाहता है, उस तरह की उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ, मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाने का कहीं पर काम होता है, उस काम को सीखना चाहता है तो प्रॉपरली उसकी स्किल्स उसको मिलनी चाहिए, तभी उसको कोई काम मिलेगा। तो स्किल शॉर्टेज की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जो हमने प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं जैसे स्किल इंडिया या और भी स्कीम्स हैं, तो इन स्कीम्स को प्रॉपरली हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो ये स्किल शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी, और हमारे पास इतनी लेबर फोर्स है कि अगर हमने उसमें से 10% 20% लोगों को भी अच्छे से ट्रेन कर दिया तो हम बहुत बड़ा एक बेनिफिट ले सकते हैं गिग इकोनॉमी से। वर्क एश्योरेंस, जैसे हमने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि कल को आपको काम मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, ये जो प्रोजेक्ट आप इस पर आप काम कर रहे हैं ये खत्म हो गया तो नेक्स्ट वर्क आपको कम मिलेगा, तो कुछ ना कुछ वर्क एश्योरेंस होना चाहिए,
कुछ थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि हाँ अगर आपने ये सेटिस्फेक्टरीली काम करके दिया है तो नेक्स्ट टू प्रोजेक्ट्स या फिर नेक्स्ट टू टास्क जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो एक कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए जो आपको ये एश्योरेंस दे सके कि हाँ आप इस कंपनी के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, सो दैट एक जो इनसिक्योरिटी है, जो मेंटल स्ट्रेस आपका रहेगा वो रिड्यूस हो सके। तो ये सारे काम जो है करने पड़ेंगे सो दैट गिग इकोनॉमी जो है एक बैलेंस्ड वे में काम करे, जो कि वर्कर्स के हित में भी हो और कंपनीज को भी प्रॉफिट पहुंचे। अब इस पे किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज बीन ऑन द इंक्रीज इन मेनी कंट्रीज इन द पास्ट फ्यू इयर्स इन दिस मोर पीपल वर्किंग एज फ्रीलांसर्स। सेकेंड, दिस इकोनॉमी प्रोवाइड्स वर्कर्स द ऑप्शन फॉर हाइपर फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्क। दिस इकोनॉमी अंडरमाइंस द ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ फुल टाइम वर्कर्स हु रेयरली चेंज पोजिशन एंड इंस्टेड फोकस ऑन अ लाइफ टाइम करियर। तो ये किस इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है ये हमें बताना है। क्या ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी है या फिर डी मिक्सड इकोनॉमी है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किसकी है? अभी हमने पढ़ा कि ये गिग इकोनॉमी की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आंसर इज सी, गिग इकोनॉमी। मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? मेंस में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिग इकोनॉमी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ओवर ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ये मेंस का एक पोटेंशियल क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बन सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई एम होपफुल कि आपको अब गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।